हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं ओला प्राइम प्लस फीचर्स की। ओला ने भी अपनी तरफ से एक फीचर्स को लॉन्च करने के लिए रेडी किया हुआ है। उसका नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है अपने ट्विटर हैंडल पर। तो पिछले टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ऊबर ग्रीन फीचर्स को लेकर के। ऊबर ने अपनी तरफ से अपने प्लेटफॉर्म पर ऊबर ग्रीन फीचर्स को लॉन्च किया था और उसके कुछ टाइम बाद उसके पीछे पीछे ओला ने भी अपना एक फीचर्स को लॉन्च किया है। उसका नाम है ओला प्राइम प्लस। तो ये कंपनियां अब ऐसा क्यों कर रही हैं, क्या वजह आ गई है, क्या मार्केट में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, सारा कुछ बताने वाला हूँ आज वाले ब्लॉग के अंदर। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने दो दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर बताया था कि ऊबर ने अपने प्लेटफॉर्म पे ऊबर ग्रीन का फीचर्स को लॉन्च किया है। तो ठीक उसी के पीछे पीछे ओला ने भी अपना एक फीचर्स को लॉन्च किया है जिसका नाम है ओला प्राइम प्लस। अब आप समझ लो मार्केट क्या है, क्या होने वाला है और मार्केट जो है काम करने का बिजनेस है वो क्या है। अब आप सोचोगे, यार आसिफ भाई, हमको तो अपनी कैब चलानी है, हमें ये फीचर्स में उससे क्या लेना देना है। तो लेना देना है, आपको भी लेना देना है, मुझे भी लेना देना है। आपको भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगी, ये आपके काम आएगा क्या नहीं आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको इससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है, आपका लॉस कितना होगा, वो सारा कुछ आपको इस ब्लॉग के अंदर आपको समझाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ें कंपनीज जो हैं, ओला हो, उबर हो, एनी वे एवरीथिंग जो भी कंपनियां हैं, कस्टमर को लुभाने के लिए और इनको इन चीज़ों की एक जिसकी वैल्यू बन जाती है, कोई ब्रांड होती है, तो इस तरीके से फीचर्स लाने की क्या ज़रूरत पड़ती है और आगे अपडेटेशन क्यों होता है, तो इसकी वजह मैं आपको बताऊँगा। आप सब जानते हैं कोरोना के बाद से, यानी कि कोविड के बाद से इन कंपनियों की जो ग्रोथ है ना, अर्निंग वाली, प्रॉफिट वाली, पैसे वाली, वो कम हो गई है। कम क्यों हुई, काफ़ी सारे ड्राइवर्स उन्होंने इस लाइन पे प्लेटफॉर्म पे काम करना छोड़ दिया। कुछ ड्राइवर जो काम कर रहे हैं वो उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि मैं ओला के प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर पा रहा हूँ बिल्कुल भी। और पिछले टाइम मेरे भाई की जो आईडी थी वो मैंने टेम्परेली रखी थी, उसको भी ओला ने बंद कर दिया अब कैंसलेशन हाई के लिए, क्योंकि वो एक गुलामी वाला सिस्टम है, आई एम नॉट एक्सेप्टेड गुलामी। तो वो चीज़ के लिए मेरी आईडी भी बंद हो चुकी है पहले से और वो मेरे भाई की थी वो भी बंद हो गई है। तो कोई इशू नहीं है, हमारा जो काम है वो चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ओला प्राइम प्लस का जो फीचर्स है, ओला ने क्यों लॉन्च किया, ओला की आंखें अब क्यों खोल रही हैं, ओला के जो CEO हैं भावेश अग्रवाल, ओला कंपनी के फाउंडर्स हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया कि ओला कंपनी ओला प्राइम प्लस के फीचर्स को लॉन्च करेगी। उसके अंदर एक फीचर्स दिया जाएगा, उसके अंदर नो कैंसिलेशन का एक वादा किया है कि उसके अंदर जो भी बुकिंग्स आएगी कस्टमर को गाड़ी मिलेगी और गाड़ी की जो कंडीशन है वो भी अच्छी होगी, प्रीमियर गाड़ी होगी, प्रीमियर का नाम दिया गया है। और प्रीमियर जो गाड़ी होगी, अगर प्रीमियर गाड़ी होगी तो उसके ऊपर प्रीमियर ड्राइवर भी होगा। अब ड्राइवर का मतलब जिसकी ड्राइवर की अच्छी खासी रेटिंग है और उसके पास गाड़ी अच्छी है, उसको प्रीमियर का ड्राइवर के लिस्ट में रखा जाएगा। 5-star रेटिंग के ड्राइवर्स और अच्छी कंडीशन की गाड़ी, जिसकी गाड़ी की रेटिंग और ड्राइवर की रेटिंग दोनों अच्छी हों, उसको इस प्राइम प्लस के ऑप्शन में रखा जाएगा। दूसरी एक बात कर दूं कि मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ ओला की तरफ से इस चीज़ को लॉन्च क्यों किया गया है और इसको नो कैंसिलेशन का नाम क्यों दिया गया है। आप सब जानते हो पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो बुकिंग है ना, चाहे वो ओला हो, उबर हो, हाई कैंसिलेशन का मैटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा आर्टिकल हो गया है। आर्टिकल क्यों हो गया है, क्योंकि इसकी बताऊँ, ये जब से मतलब इस फीचर्स को लॉन्च के बारे में जब से भावेश अग्रवाल जो कंपनी के CEO फाउंडर है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर जब से इसको ट्वीट किया है ना, उसके बाद भाई मैं आपको बता दूँ बौछार आ गई है आर्टिकल लिखने वालों की। गूगल के ऊपर आर्टिकल से आर्टिकल आ रहे हैं। मैं दो दिन से इस चीज़ को देख रहा हूँ, तो मैंने सोचा अपना भी एक ब्लॉग बना लिया जाए और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, क्योंकि आप एक ड्राइवर हैं और एक ड्राइवर के तौर पे आप काम कर रहे हैं, अपनी आपका की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं।
तो इस आर्टिकल्स की इतने ज़्यादा आर्टिकल्स छप क्यों रहे हैं भाई, आर्टिकल्स इतने क्यों लिखे जा रहे हैं, इसकी क्या वजह आ गई है, तो ये सारा कुछ मैं आपको बता दूँ। क्योंकि काफ़ी दिनों से अंदर मैंने पिछली बार एक वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ओला की जो वैल्यूशन है, कंपनी की वैल्यूशन है, वो गिर गई है। मतलब वैल्यू, किसी कंपनी की जो वैल्यू होती है वो भी गिरी, और जो कैंसलेशन को लेकर के है वो मेन मुद्दा है। कैंसलेशन बहुत ही ज़्यादा है हो रही है ओला के प्लेटफॉर्म पे और उबर के भी प्लेटफॉर्म पे है, बट उबर तो अपना प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे सेटअप कर रही है और कर भी चुकी है। तो इसको देखते हुए ओला ने भी, ओला की भी आंखें अब खुल चुकी हैं। ओला ने भी एक फीचर्स को लॉन्च किया है जिसको नाम दिया है ओला प्राइम प्लस। इसके अंदर तक जो भी कस्टमर इसकी मेंबरशिप लेते हैं, और अभी ये स्टार्टिंग होगी बेंगलुरु से, और इसके अंदर भी भावे, मतलब जो कंपनी के सीईओ हैं भावेश अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि अभी इस सर्विस को कुछ लोगों तक ही प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसके अंदर मैं बता दूं, इस मेंबरशिप के अंदर तो जो भी बुकिंग आएगी, इसको ओला प्राइम प्लस की जो मेंबरशिप है उसको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा राइडर्स को और कस्टमर्स को, जो भी है जो भी बुकिंग करते हैं। उसके अंदर जो बुकिंग आएगी, कंपनी का वादा है कि इसके अंदर कोई भी बुकिंग कैंसिल नहीं होगी और ना ही कोई कैंसिलेशन का ऑप्शन दिया जाएगा। ये चीज़ ड्राइवर को कहाँ तक, कब तक ये चलेगी, वो भी चीज़ बता दूँ। और इसके अंदर जो भी बुकिंग आएगी, उसके अंदर जो बाकी के कैब, मतलब बाकी के जो चार्जेस हैं, गो मतलब मिनी है, प्राइम है, सीडान है, एसयूवी है, उनसे फेयर ज़्यादा होगा, फेयर कितना होगा वो तो लॉन्च होने के बाद ही इस चीज़ को पता लगेगा। तो मैं आपको बता दूँ, काफ़ी दिनों से आप देख रहे हो मेरे, मुझे भी देख रहे हो और आप मेरे वीडियो भी देख रहे हो, तो ओला की प्रॉब्लम्स क्या है ना, अभी जाके ओला की जो आँखें हैं वो खुली है, क्योंकि उनको भी नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि कंपनी की वैल्यूशन गिर चुकी है और कंपनी की बुकिंग पे बुकिंग कैंसलेशन बहुत ही ज़्यादा है। राइडर्स को गाड़ी नहीं मिल रही है, गाड़ी उनको कहीं भी जाना होता है, उनकी मीटिंग्स होती हैं, फ़्लाइट होती है, एयरपोर्ट एयरपोर्ट से होती है, विजिट होती है, या फिर ट्रेन का टिकट हो, कुछ भी हो, उनको मौके पर बुकिंग को कैंसिल ड्राइवर्स कर देते हैं। उस चीज़ का मेन फोकस है कंपनी का, कस्टमर्स को सही इंफॉर्मेशन देना, सही सर्विस देना, प्रोवाइड करना, वो सारा कुछ फोकस अभी ओला ने अपनी तरफ से लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो इस चीज़ के आर्टिकल्स की मैं दो दिन से देख रहा था कि अभी फिर आपको बता दूं, इतने ज़्यादा आर्टिकल्स आए, मैंने अभी तक किसी भी कंपनी के, मतलब ऊबर ग्रीन के भी इतने आर्टिकल्स नहीं मैंने देखे ना पढ़े, और इतने ज़्यादा आर्टिकल्स इनके आए निकल के ओला की तरफ से। जानी मानी ब्रांड है, और कोई जब ब्रांड होती है ना, एक चीज़ मैं कहूँगा, क्योंकि ओला की जो आँखें खुली हैं वो ठीक खुली हैं, लेकिन एक मैं कहूँगा, ओला का व्यवहार है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, मतलब अच्छा नहीं है। ओला ड्राइवर के साथ भेदभाव करता है, दुगलापन है, या फिर दुर्व्यवहार हो, उस टाइप की कंडीशन है ओला की, ओला के एम्प्लॉयज करते हो चाहे ओला का सिस्टम करता हो। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, और इस चीज़ को मैंने लास्ट टाइम से लेके अभी तक इस चीज़ को देखा है, जो भी बुकिंग्स आती है ना वो ज़्यादातर एक ही ड्राइवर के पास आती है, चाहे ऑडिशन की बुकिंग, सबसे ज़्यादा ऑडिशन की बुकिंग को लेकर के मेरा कहना है, मतलब है मैं लोकल में इंटरेस्टेड नहीं रखता हूँ बिल्कुल भी। अगर वो ओला की ऑडिशन की बात करूँ तो अगर एक ड्राइवर के पास ऑडिशन की बुकिंग कंटिन्यू आ रही है, एक बुकिंग करके आया, दोबारा आ गया, दोबारा भी लेके गया, दोबारा आ गया, तिबारा लेके गया, चार बार आए, पाँच बार आए, अगर वही ड्राइवर अगर फ्री है, उसका डिवाइस फ्री है, तो ऑडिशन की बुकिंग उसके नियर बाई अगर कहीं से भी बनती है ना, सीधी डिवाइस के ऊपर जाती है। ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरान करती है, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है ओला का जो प्लेटफॉर्म है ना वो बिल्कुल ड्राइवर के साथ दोगलापन वाला सिस्टम है। ऊबर के अंदर मैंने देखा है, ऊबर का ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी इंटरसिटी की बुकिंग आ रही है, जो भी ड्राइवर कस्टमर के रेंज के हिसाब से, रनिंग के हिसाब से, नज़दीक के हिसाब से, सबसे पहले उसी के पास बुकिंग जाती है। ऊबर के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 10 ड्राइवर बैठे हैं, अगर जिस साइड से बुकिंग आ रही है, जो ड्राइवर उसकी साइड पर नज़दीक पड़ रहा है, रेंज के हिसाब से आ रहा है, तो वो बुकिंग उसके पास जाती है। बट ओला के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ड्राइवर्स काम कर रहे हैं वो अच्छे से जानते होंगे, समझते भी होंगे और इस चीज़ को बांपते भी होंगे। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके। तो दोस्तों, ओला की जो वैल्यूशन भी वो भी गई, ड्रॉप हो रही है, बुकिंग है वो भी ड्रॉप हो रही है, बिजनेस है वो भी ड्रॉप हो रहा है, लेकिन ओला ने आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की। मेरी आईडी अगर पिछले दिसंबर से देखी जाए, 15 दिसंबर से लेके आज तक, मुझसे ओला ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी गाड़ी पे इतना ज़्यादा बुकिंग कैंसिल क्यों है,
क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है, आप इतना सारा बुकिंग कैंसिल क्यों करते हैं, आपको क्या परेशानी आ रही है, बट कोई भी इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। मेरे ऊपर ही क्या, आप में से बहुत सारे ड्राइवर्स मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप तक किसी भी ओला की तरफ से आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर कोई भी कमेंट, कोई भी कॉल्स, कोई भी इंक्वायरी कुछ भी आया हो तो मुझे बताना। अभी तो सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है, अगर कोई आपके चालू बुकिंग के अंदर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आपका कॉल भी नहीं लगेगा बुकिंग एंड होने के बाद, सॉरी आपका बुकिंग कंप्लीट होने के बाद आप कॉल भी नहीं कर सकते, कॉल का ऑप्शन ही नहीं लगता ही नहीं है। तो ड्राइवर्स ये चीज़ें देख करके कहाँ से सर्विस देगा, प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। अभी मेरा ही देख लो, मैं 5 महीने से पिछले क्या काम किया होगा, मैंने 1 या 2 बुकिंग किया है, तो मेरी गाड़ी तो आउट ही है ना, पहले तो मैं काम करता ही था। तो ओला के अंदर जो भी प्राइम प्रीमियर मतलब प्राइम की प्लस सर्विस के अंदर, इसके अंदर क्या आएगा, कस्टमर को सर्विस अच्छी मिलेगी क्या, जो सिर्फ डिंगे हैं, लंबे लंबे लॉलीपॉप हैं, जो भी कहें वो आप कह सकते हैं, उसका नाम भी दे सकते हैं कि ये चीज़ कहाँ तक मैनेज होगी और कहाँ तक इसको अरेंज किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो ओला को जब तक ड्राइवर्स को सर्विस नहीं मिलेगी, ड्राइवर को सर्विस नहीं मिलेगी, तब तक ये चीज़ें निकल के आती रहेंगी और ये प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए बनी रहेगी। क्योंकि मैन है ड्राइवर, कोई भी कंपनी कोई भी, अगर मुझे एक एग्जांपल कर बता दो, रेलवे बिना ट्रैक पे चल सकती है क्या? जब तक ट्रैक नहीं होगा तब तक रेलवे नहीं चलेगी, ट्रेन नहीं चलेगी। उसी चीज़ से समझ लो, अगर ओला के पास ड्राइवर्स नहीं है, गाड़ियाँ नहीं होंगी, तो ओला की जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पे चलेगी नहीं। ओला सिर्फ अपने कमीशन के बारे में सोचता है और बाकी ड्राइवर्स को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वो भी उसके बारे में भी कुछ भी उसको पड़ी नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं कितने टाइम से काम कर रहा हूं, आज भी ओला की जो राउंड ट्रिप आती ना उसके अंदर आज से 10 साल पुराना भाड़ा है। आज भी वही 1207 रुपये पहले थे, आज भी वही 1207 रुपये फेयर आज भी है। इस टाइप की जो बुकिंग आती है ना वो घंटों 50 ड्राइवर के पास जाती है, लेकिन कोई भी ड्राइवर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर कोई नया फ्रेशर ड्राइवर है वो एक्सेप्ट करके चला जाता है, बाकी जितने भी पुराने ड्राइवर्स हैं वो उस बुकिंग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब ड्राइवर्स बुकिंग को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, कस्टमर्स को गाड़ी मिलेगी नहीं, तो बुकिंग जो है कंपनी की ग्रोथ है वो कहाँ से बढ़ेगी? कंपनी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताना। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूँ, एक एग्जांपल आपको ले लेता हूँ। अगर कोई कंपनी जिसे पुराने एम्प्लॉयज होते हैं, एक्सपीरियंस वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं, और उनको लेकर के अगर कंपनी ग्रोथ करती है तो कंपनी की ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक, अगर कोई कंपनी चाहे कि मैं नए ड्राइवरों से मतलब नए एम्प्लॉयज विदाउट ट्रेनिंग लिए हुए नए एम्प्लॉयज होते हैं, क्या कंपनी उन नए फ्रेशर लोगों के साथ काम करती है और कंपनी अपनी ग्रोथ कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से एक बिल्डिंग बनाने के लिए कितनी सारी क्वालिटी मटेरियल से लेके ज़रूरत पड़ती है ना, ठीक उसी तरीके से एक कंपनी को चलाने के लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कंपनी बोले नहीं मैं ये चीज़ से इग्नोर करके ये चीज़ पे काम कर लूँगा तो मेरा जो मंजिल है वो वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, पर मेरा मानना ये है अगर बिल्डिंग बनानी है तो जो भी बिल्डिंग के अंदर चीज़ें लगती हैं मटेरियल से लेके एक्स वाई जेड तक, आपको अगर उन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपकी बिल्डिंग्स जल्दी से जल्दी रेडी हो जाएगी और बिल्डिंग्स बनकर रेडी भी हो जाएगी और लोग भी रहना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप सोचो कुछ चीज़ों को मतलब एक एग्जांपल बता दूं, जहाँ पे आपके 10 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे आप 2 एम्प्लॉयज रख के क्या बिल्डिंग को बना सकते हैं, वर्कर को रख के कोई चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 10 लोग ही चाहिए, तभी काम होगा, जितना जल्दी चाहे उतना जल्दी। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो दोस्तों अभी इन चीज़ों से एक चीज़ सीखने को मिलेगी, आप सब जानते हैं कैब बिजनेस के अंदर खड़बड़ी मच चुकी है। खड़बड़ी क्यों हुई है वो भी मैं आपको बता दूं। ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी, आधे से ज़्यादा बिजनेस, आधे से ज़्यादा ड्राइवर्स, आधे से ज़्यादा बिजनेस को कवर कर लिया है ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी। दूसरे नंबर पे ऊबर इलेक्ट्रिक ने भी अपनी इलेक्ट्रिक लॉन्च कर दी और उस पर तो ड्राइवर काम करते हैं, मेरे जैसे काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर हैं जो ऊबर के अंदर काम करते हैं। मैं भी ऊबर के अंदर ज़्यादा काम करता हूँ, वो भी मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो के अंदर बताया है क्यों करता हूँ, वो भी बताइए। क्यों ओला के अंदर क्यों नहीं कर पाता हूँ वो भी बताइए। तो इन चीज़ों को देखते हुए ना ऊबर ने भी अपना प्लेटफॉर्म संभाल के रखा हुआ है और ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी की जो ग्रोथ है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, वो भी चीज़ है।
और भी बाकी मार्केट में देखा जाए तो ओला के प्लेटफॉर्म पे आज से 4-5 साल पहले की या फिर जब मैंने स्टार्ट की थी तब से अगर आपको बताऊं तो ओला के प्लेटफॉर्म पे इतने सारे प्रीमियम कस्टमर थे, आज वो एक भी नहीं है। एक भी मैंने नहीं देखे पिछले कोरोना के बाद से अब तक, जब से ये कैंसलेशन का सिलसिला स्टार्ट हुआ है तब से लेके जो भी प्रीमियम कस्टमर आते थे वो उनकी बुकिंग नहीं आती है। अगर आती भी है तो वो भी राउंड ट्रिप और उनको गाड़ी नहीं मिलती है। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा आप करोगे, यार इतने सारे कस्टमर तो थे ये गए तो गए किधर, तो मैं आपको बता दूँ भाई, पहले नंबर पर मेक माई ट्रिप, दूसरे नंबर पर गोजो, तीसरे नंबर पर सवारी, चौथे नंबर पर राइड है। तो ये जो इंटरनेशनल जो बुकिंग्स लेती है ऑल इंडिया में जो काम करती है, इनके पास टोटल बुकिंग प्रीमियर कस्टमर की जा चुकी है। यही कस्टमर पहले ओला के अंदर थे, उबर में थे, अब ये ओला और उबर को छोड़ के बाकी की कंपनियों की, क्योंकि सर्विस बहुत साठ पाड़ है। मैं काम करता हूँ सवारी में, आपको मालूम है सवारी में मैं काम करता हूँ, गोजो में मैं काम करता हूँ, मैं इनमें काम करता हूँ, मुझे मालूम है और इनकी पॉलिसी भी मुझे मालूम है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से इसकी इन चीज़ों की पॉलिसी को समझ चुका हूँ। गाड़ी आपने बुकिंग ली तो आपको गाड़ी लगानी है, कोई चारा नहीं है। आपको नहीं लगानी है तो उसके ऊपर आपके ऊपर एक्शन है। इसको लेकर अगर कोई कंपनी की बुकिंग आती है, कोई फ्लाइट की बुकिंग आती है, एयरपोर्ट ड्रॉप आती है, तो उनको लेकर के कंपनी बहुत टाइट रहती है। अगर आपने बुकिंग ली, आपके पास कॉल आएगा, गाड़ी कौन सी भेज रहे हो, कौन से ड्राइवर भेज रहे हो, वो सारी कुछ इंक्वायरी आपको कॉल पे दी जाती है, कॉल आता है कंपनी के तरफ से। ओला के अंदर आपने बुकिंग लेने के बाद आपके पास कभी कॉल आया, ऊबर के अंदर कभी कॉल आया कि आपने बुकिंग ली है, आप कस्टमर के पास जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे हैं, इस टाइप से। तो इन चीज़ों की सर्विस है ना, ड्राइवर्स के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, कस्टमर की बुकिंग ना के बराबर कैंसलेशन है। ऐसे देखा होगा ओला के अंदर आपने फेक बुकिंग अनलिमिटेड है, हर शहर के अंदर, हर सिटी, हर स्टेट के अंदर इतना फेक बुकिंग आता है, लेकिन इन कंपनियों के आपस में कोई फेक बुकिंग नहीं है। आपने ले ली, कंफर्म बुकिंग होती है, बाई चांस एक दो छः महीने एक महीने में कभी कोई बुकिंग किसी कस्टमर ने अपनी प्रॉब्लम चलो एक लेकर के कोई बुकिंग को कैंसिल किया हो तो भले ही, बाकी कोई बुकिंग कैंसिल नहीं होता। आपको मैंने अभी तक कितने टाइम से काम कर रहा हूँ गोजो के अंदर, सवारी के अंदर, अभी तक एक बुकिंग कैंसिल हुई है तब से लेके अब तक कोई बुकिंग कैंसिल नहीं हुई है। तो इसी तरीके से एक ट्रस्ट होता है कस्टमर का और ड्राइवर और एक कंपनी के साथ। कंपनी को भी मालूम होता है मुझे गाड़ी, मेरा जो गाड़ी ड्राइवर है, ओनर है, वेंडर है, टाइम पे गाड़ी लगा देगा। और एक कस्टमर को भी मालूम होता है, जो राइडर्स होते हैं उनको भी एक मालूम होता है कि मैंने जिस कंपनी के साथ बुकिंग की है मुझे ट्रस्ट है, मुझे फ्लाइट पकड़नी है, मैंने जो टाइम दिया है उस टाइम पर गाड़ी पहुंच जाएगी। तो एक ट्रस्ट ओला और उबर, एक ट्रस्ट राइडर का खो चुकी है और विश्वास जिसको कहते हैं वो एक ट्रस्ट बिल्कुल ही अलग हो चुका है ओला की तरफ से, ओला की तरफ, उबर की तरफ से। ओला और उबर ने क्या देखा कि खाली पैसे कमाओ और ड्राइवर को गुलाम बना के रख दो, बिल्कुल गुलामी वाला सिस्टम है। मैंने आपको काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट भी दिखाए, उसके अंदर भी आपको मैंने बताया इतनी बुरी मेरी सिटी के अंदर सिचुएशन है, शायद पूरे देश के अंदर किसी स्टेट के अंदर हो। ओला की एक भी बुकिंग बड़ौदा मेरी सिटी के अंदर से जितनी भी गाड़ियां रजिस्ट्रेशन है एक भी बुकिंग नहीं आती भाई, बड़ौदा टू अहमदाबाद की, और पॉपुलर सिटी है फिर भी एक भी बुकिंग नहीं है। राउंड ट्रिप आती है जिसके बाद आया, बाकी तो लोकल का तो भंडार है भाई। गाड़ी है प्राइम, बुकिंग आएगी मिनी का, मेरी एक प्रीमियर गाड़ी है, मैं प्राइम की बुकिंग, प्रीमियर गाड़ी है तो मैं प्राइम की ही बुकिंग करूँगा, मैं मिनी की बुकिंग क्यों करूँ, और मेरी मर्जी होगी तब मैं करूँगा, नहीं करूँगा मैं, कैंसिल ही होगी। आपने पास करने का ऑप्शन नहीं दिया तो बुकिंग कैंसिल होगी ना। आपने बुकिंग का किसी राइडर ने किया और डायरेक्ट आ जाती है एक्सेप्ट होके, आप एक्सेप्ट करो या ना करो वो बुकिंग आपके पास आ गई। एक चीज़ को और देखूँ ये मैं आपको बता दूँ, लास्ट में एक चीज़ कह दूँ, आपने देखा होगा आउटजन की बुकिंग हो दो गाड़ी पहुँच गई, चाहे लोकल की बुकिंग हो दो गाड़ी पहुँच गई। अरे भैया ये भी कोई सिस्टम है क्या, मतलब कस्टमर राइडर जो है वो एक गाड़ी बुक कर रहे हैं, आपने दो गाड़ी भेज दी, उसमें ड्राइवर भी परेशान हो रहा है, ड्राइवर का लॉस हो रहा है, वो 2-5-10 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके जा रहा है, रोड पे पिकअप करने जा रहा है, तो एक गाड़ी पहले पहुंच गई एक गाड़ी बाद में पहुंच गई, उसको धक्का लगा, उसका डीजल वेस्ट हुआ, उसका सीएनजी वेस्ट हुआ, उस चीज़ पे कंपनी को इग्नोर करती है, कोई उस पे लेना देना नहीं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ना काफ़ी सारे ड्राइवर भी डाइवर्ट हो रहे हैं।
उनको अच्छे खासे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। इसके लिए मैं आपको भी बोलता हूँ, अगर आप कैब बिजनेस में आना चाह रहे हैं तो जितने प्लेटफॉर्म रखेंगे आपको फ़ायदा होगा, जितने प्लेटफॉर्म कम रखेंगे उतना आपको लॉस होगा। मेन चीज़ है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको चीज़ों को रखना चाहिए। जैसे कि कंपनियाँ अपने फीचर्स लाती रहती हैं, अपडेट करती रहती है, उस हिसाब से आपको भी अपने फीचर्स को लॉन्च करना चाहिए, अपना फ्यूचर प्लान बनाना चाहिए, अपने काम करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, सीरियसली बता रहा हूँ। सोच लो, समझ लो, जान लो, ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं, कोई नहीं बताएगा आपको। मेरा तो टाइम पूरा हो गया भाई, मैं तो चला जाऊँगा, ओला से चला गया। मैंने ओला की एप्लीकेशन को, ओला की ऑपरेटर एप्लीकेशन को, 3 दिन पहले मैंने ओला की ऑपरेटर एप्लीकेशन से जो वीडियो बनाई थी ना, उसके बाद से मैंने वीडियो कंप्लीट करने के बाद ओला की एप्लीकेशन और पार्टनर एप्लीकेशन, पार्टनर नहीं ड्राइवर एप्लीकेशन, पार्टनर नहीं अभी, ड्राइवर एप्लीकेशन और ओला ऑपरेटर एप्लीकेशन मैंने मेरे मोबाइल से निकाल करके कचरे के डब्बे में, डब्बा नहीं बोलते, डस्टबिन, उसके अंदर उसको डाल दिया। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, जिनकी स्विच बंद चालू कर सकते हैं, ड्यूटी सेटिंग कर सकते हैं, वो काम कर पाएंगे। जो बंदा जिसकी ड्यूटी सेटिंग नहीं कर सकता, बंद चालू नहीं कर सकता, जिसकी स्विचें चिपकी हुई हैं, कंटिन्यू बुकिंग आएगी, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बुकिंग आप लोकल में काम कितना करेंगे, थक जाएंगे। लेकिन जो बंदा ओडिशन में काम करता है वो कर ही नहीं पाएगा भाई, 1, 2, 3, 4 बुकिंग कर लेगा, कंटिन्यू बुकिंग आएगा तो कैंसिल मारोगे और आपकी आईडी बंद। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही था, कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।